कोरिया के जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि समस्त ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी नियुक्त करके ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया जाए और वोटरों को सही जानकारी प्रदान की जाए। आपको बता दें कि कटकौना ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी डॉक्टर जी एस कवर, ईवीएम ऑपरेटर अशोक गुप्ता, एएसआई एके टोप्पो ने बताया कि क्षेत्रवासियों को सही वोटिंग करने के बारे में जानकारी दी जा रही है, आपराधिक क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है एवं अति संवेदनशील क्षेत्र और वोट बहिष्कार क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठा कर जिला अधिकारी और जिला एसपी कोरिया के समक्ष पेश करने का उद्देश्य है। अजीम अंसारी की संभाग से रिपोर्ट। हम यहाँ वर्लेबर वाला उससे आए थे कि कुछ भी ढंग के पुराने जो केस हैं या राजनीतिक या चुनावी संबंधी, उस संबंध में कुछ सर्वे के लिए आए थे और साथ में यहाँ बीपीएम पैड का मशीन का इसका जो इस प्रकार से प्रशिक्षण हो रहा है वोटरों के बीच में, तो ये बाजार हाट के लिए यहाँ नियुक्त हैं। ये भी चुनाव को सफल बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है और इसी संबंध में हम यहाँ को तो यहाँ 10 बूथ अपने हैं। उन 10 बूथ में अगर ऐसा कुछ प्रकरण आता है तो उनको जो है अपने। सर, अभी कितने गांवों का सर्वेक्षण कर चुके हैं अभी आप? अभी स्टार्ट किए हैं, ये बर्दिया से स्टार्ट किए हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद यहाँ जस्ट कटकौना आए हैं, फिर यहाँ से मुरमा हो गया, पीपरडांड हो गया, चंपाझर हो गया, इधर अभी जाएंगे।